सर्वे जो है गरीबों को छूना कोई काम करेगा, उनको उजाड़ने की कोशिश करेगी तो पूरे बिहार में विद्रोह होगा और ये सर्वे अपनी जगह रह जाएगा और ये सरकार जो है रसातल में मिल जाएगी। अब ये सर्वे के नाम पर सरकार जो है वो गरीबों को उजाड़ने का अभियान करने चलाने की कोशिश कर रही है, इसको भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो जहाँ बसा हुआ है वैसे तमाम लोग जिनके जमीन के कागजात नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई रसीद नहीं है, लेकिन वो पुश्तैनी तौर से जब से गांव है वो बसे हुए हैं, वो ऐसे तमाम गरीबों के नाम पर जो जहां है उसको उसके नाम पर जमीन करे। इस सर्वे में हम ये मांग, भाजपा की जो नीतीश सरकार है वो पूरे तौर पे लूट और झूठ पर आधारित है और उसका जो भी सुशासन विकास का जो ड्रामा है वो पूरे तौर पे वो ड्रामा जो है अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए उसमें कहीं कोई जगह नहीं है। बिहार में जातीय गणना के बाद बात सामने आई थी कि 2 लाख रुपये जो है वो 94 लाख गरीब परिवारों को देना है ताकि छोटे मोटे वो रोजगार कर सकें और वो अपने गरीबी के स्तर से बाहर हो सके, लेकिन ये जो नीतीश की सरकार है उसने तरह तरह की बंदिशें लगा करके, जैसे वो सरकार के पास सूची है कि कौन से 94 लाख परिवार जो हैं गरीब है उसके आधार पर गरीबों को 2-2 लाख रुपए एक मुफ्त मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। सरकार ने उसमें एक बाधा डाला कि आय प्रमाण पत्र लाओ। आय प्रमाण पत्र लाने जब गरीब जाते हैं अंचल में तो उन्हें कहा जाता है कि 1 लाख से कम का आवेदन आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, 80,000 से कम का नहीं बनेगा। और इस ढंग से जो योजना है वो 6,000 से कम जिनकी मासिक आमदनी है, 72,000 से कम जिनकी मासिक आमदनी है उसके लिए है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है जो पहली किस्त दिया गया है उसमें समाज के चालू पुर्जा लोग हैं, संपन्न लोग हैं, जैसे सारी योजनाओं में जो धांधली हो रही है, जो आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज नहीं होता है और पैसा अमीरों के हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, जो गरीबों के लिए 25% गरीबों के लिए जो एडमिशन होना है प्राइवेट स्कूलों में तो गरीब के विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं और वो तमाम पैसा जो है अमीरों के स्कूल में पड़ जाता है, उनके शिक्षा माफियाओं के हाथ में पड़ रहा है। उसी ढंग से इस योजना में भी पूरे तौर पर लूट खसोट का मामला जारी है, इसको लेके भाकपा माले विरोध कर रही है और ऑनलाइन की व्यवस्था खत्म करे सरकार इसमें सीधे जो है 94 लाख जो परिवार है उनको एक मुश्त 2 लाख रुपए दे और पशुपालन जैसे मामले को भी उसमें जोड़े और ये दूसरे उद्यम के नाम पर गरीबों को वंचित करने का जो है जो खेल कर रही है सरकार वो नहीं चलने देगा। बिहार में जमीन सर्वे होने वाला है, भूमिहीन लोग हैं, सरकार ने बहुत पुराने जमाने में भी कहा था कि भूमिहीन जो है उन्हें एक तरह से जमीन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन जिन्हें मुहैया नहीं कराकर उन्हें एक तरह से अब जमीन सर्वे होगा तो ये बड़ा विडम्बना है। लोग एक तरह से परेशान हो रहे हैं कि एक भ्रम की स्थिति है, कैसे दूर हो? सरकार जो है जो भाजपा की नीतीश सरकार है ये जमींदारों की भूमाफियाओं की सरकार बनी हुई है और ये सर्वे का जो ढोंग कर रही है, इस सरकार ने पहले भूमि सुधार आयोग बनाया, भूमि सुधार आयोग ने यह साफ कर दिया कि बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन जो है वो गरीबों के बांटने के लिए निकल सकता है। उसने पूरे डेटा दे दिया कि जमींदार लोग जो हैं, चीनी मिल मालिक जो है, भू माफिया जो है 21 लाख एकड़ जमीन चोरी करके रखे हुए हैं, बिहार के 16 लाख 17 लाख परिवारों को एक एक एकड़ जमीन दी जा सकती है और 20 लाख परिवारों को 10-10 डिसमिल जमीन बसने के लिए दी जा सकती है और लाखों एकड़ जमीन बचा करके फिर सरकार जो है सरकारी कामों के लिए रख सकती है, कार्यालयों के लिए रख सकती है। तो सरकार ने भूमि आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया। कि आप जामिया देख रहे हैं और बड़ा एक तरह से कह सकते हैं बिहार के मजदूर गरीब एक तरह से बड़ा एहतजाज एक तरह से किए हुए, खासतौर पर माना ब्लॉक के परिसर में हजारों की तादाद में, क्या कहेंगे सरकार, एनडीए सरकार जो एक तरह से दम भरती है कि गरीबों को हम की वेलफेयर करेंगे, लेकिन नहीं दिख रहा है आप लोग एहतजाज पर उतरे हैं प्रदर्शन पर। भाजपा की जो नीतीश सरकार है वो पूरे तौर पे लूट और झूठ पर आधारित है और उसका जो भी सुशासन विकास का जो ड्रामा है वो पूरे तौर पे वो ड्रामा जो है अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए उसमें कहीं कोई जगह नहीं है। बिहार में जातीय गणना के बाद बात सामने आई थी कि 2 लाख रुपये जो है वो 94 लाख गरीब परिवारों को देना है ताकि छोटे मोटे वो रोजगार कर सकें और वो अपने गरीबी के स्तर से बाहर हो सके, लेकिन
ये जो नीतीश की सरकार है उसने तरह तरह की बंदिशें लगा करके, जैसे वो सरकार के पास सूची है कि कौन से 94 लाख परिवार जो हैं गरीब है, उसके आधार पर गरीबों को 2-2 लाख रुपए एक मुश्त मिल लाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। सरकार ने उसमें एक बाधा डाला कि आय प्रमाण पत्र लाओ। आय प्रमाण पत्र लाने जब गरीब जाते हैं अंचल में तो उन्हें कहा जाता है कि 1 लाख से कम का आवेदन आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, 80,000 से कम का नहीं बनेगा। और इस ढंग से जो योजना है वो 6,000 से कम जिनकी मासिक आमदनी है, 72,000 से कम जिनकी मासिक आमदनी है उसके लिए है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है जो पहली किस्त दिया गया है उसमें समाज के चालू पुर्जा लोग हैं, संपन्न लोग हैं, जैसे सारी योजनाओं में जो धांधली हो रही है, जो आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज नहीं होता है और पैसा अमीरों के हॉस्पिटल में पहुँच रहा है, जो गरीबों के लिए 25% गरीबों के लिए जो एडमिशन होना है प्राइवेट स्कूलों में तो गरीब के विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं और वो तमाम पैसा जो है अमीरों के स्कूल में पड़ जाता है, उनके शिक्षा माफियाओं के हाथ में पड़ रहा है। उसी ढंग से इस योजना में भी पूरे तौर पे लूट खसोट का मामला जारी है, इसको लेके भाकपा माले विरोध कर रही है और ऑनलाइन की व्यवस्था खत्म करे सरकार। सरकार इसमें सीधे जो है 94 लाख जो परिवार है उनको एक मोस्ट 2 लाख रुपए दे और पशुपालन जैसे मामले को भी उसमें जोड़े और ये दूसरे उद्यम के नाम पर गरीबों को वंचित करने का जो है जो खेल कर रही है सरकार वो नहीं चलने देगा। बिहार में जमीन सर्वे होने वाला है, भूमिहीन लोग हैं, सरकार ने बहुत पुराने ज़माने में भी कहा था कि भूमिहीन जो है उन्हें एक तरह से जमीन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन जिन्हें मुहैया नहीं कराकर उन्हें एक तरह से अब जमीन सर्वे होगा तो ये बड़ा विडम्बना है। लोग एक तरह से परेशान हो रहे हैं कि एक भ्रम की स्थिति है, कैसे दूर हो? सरकार जो है, जो भाजपा की नीति सरकार है, ये जमींदारों की भू माफियाओं की सरकार बनी हुई है और ये सर्वे का जो ढोंग कर रही है, इस सरकार ने पहले भूमि सुधार आयोग बनाया, भूमि सुधार आयोग ने यह साफ कर दिया कि बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन जो है वो गरीबों के बांटने के लिए निकल सकता है। उसने पूरा डेटा दे दिया कि जमींदार लोग जो हैं, चीनी मिल मालिक जो है, भू माफिया जो है 21 लाख एकड़ ज़मीन चोरी करके रखे हुए हैं, बिहार के 16 लाख 17 लाख परिवारों को एक एक एकड़ ज़मीन दी जा सकती है और 20 लाख परिवारों को 10-10 डिसमिल ज़मीन बसने के लिए दी जा सकती है और लाखों एकड़ ज़मीन बचा करके फिर सरकार जो है सरकारी कामों के लिए रख सकती है, कार्यालयों के लिए रख सकती है। तो सरकार ने भूमि आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया। अब ये सर्वे के नाम पर सरकार जो है वो गरीबों को उजाड़ने का अभियान करने चलाने की कोशिश कर रही है, इसको भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी और जो जहां बसा हुआ है वैसे तमाम लोग जिनके ज़मीन के कागजात नहीं हैं, कोई हथियार नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई रसीद नहीं है, लेकिन वो पुश्तैनी तौर से जब से गांव है वो बसे हुए हैं, वो ऐसे तमाम गरीबों के नाम पर जो जहां है उसके नाम पर ज़मीन करे, इस सर्वे में हम ये मांग करते हैं। और नहीं तो ये सर्वे जो है गरीबों को छूने का कोई काम करेगा, उनको उजाड़ने की कोशिश करेगी तो पूरे बिहार में विद्रोह होगा और ये सर्वे अपनी जगह रह जाएगा और ये सरकार जो है रसातल में मिल जाएगी।